वेलकम टू दी फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ अपकमिंग स्मार्टफोन इन द मंथ ऑफ अगस्त। सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा Huawei Y9 Prime 2019 जो कि होगा लॉन्च आज, जिसमें आपको मिलेगा Kirin 710 और साथ में मिलेगी 4000 mAh की बैटरी, ट्रिपल क्लियर कैमरा बैक में मिलेंगे, फ्रंट में आपको पॉप अप कैमरा मिलेगा, कुल मिला के एक गुड लुकिंग स्मार्टफोन होगा। फिर 8 तारीख को लॉन्च होगा सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 एंड नोट 10 प्लस, ये दो स्मार्टफोन होंगे। एक में आपको मिलेगी 4500 mAh की बैटरी, दूसरे में मिलेगी 3500 mAh की बैटरी। ये वन प्लस के साथ डायरेक्टली कॉम्पिटिशन करेगा और एक प्रीमियम प्राइस के साथ आएगा, और इसका एक 5G मॉडल भी आएगा जो कि इंडिया में शायद से लॉन्च नहीं होगा। फिर आसूस की तरफ से मिलेगा रिपब्लिक ऑफ गेमिंग फ़ोन 2 यानी कि ROG फ़ोन 2, ये सबसे बड़ा लॉन्च होने वाला है इस महीने का, और ये आएगा वर्ल्ड के फर्स्ट स्नैपड्रैगन 855 प्लस के साथ। इसमें आपको मिलेगी 6000 mAh की बैटरी, और डिस्प्ले इसमें काफ़ी बड़ा मिलेगा, 6.55 इंचेस का FHD प्लस डिस्प्ले एमोलेड होगा और फिंगरप्रिंट इन डिस्प्ले मिलेगा आपको। कैमरा इसमें 48 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल रियर में मिलेंगे और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल मिलेगा, और चाइना के हिसाब से इसमें इंडिया की प्राइस 35,000 रुपीज़ होने वाली है। अगर इस प्राइस पे आता है तो एक ही बात बोलने को मिलेगी, बाय बाय वन प्लस। फिर लॉन्च होगा वीवो की तरफ से बहुत बढ़िया लॉन्च, वीवो S1 जो कि वीवो Z1 Pro की तरह बहुत ही सक्सेसफुल होने वाला है और एक बहुत ही एग्रेसिव प्राइस के साथ आएगा। इसमें मिलेगी AMOLED डिस्प्ले जो कि फुल HD रेजोल्यूशन के साथ मिलेगी, इसमें प्रोसेसर मिलेगा MediaTek का Helio P65, इसमें 4GB की रैम, 8GB की रैम और 64GB का इंटरनल स्टोरेज और 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा, और क्वाड कैमराज बैक में मिलेंगे आपको और फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का मिलेगा कैमरा, कुल मिला के कैमरा फोन होने वाला है। फिर दोस्तों लॉन्च होगा Xiaomi की तरफ से Mi A3 जो कि पहले यूरोप में लॉन्च हो गया है, और इसकी प्राइस उन्होंने 19,000 रुपीज़ रखी गई है, और इंडिया में अगर इसी प्राइस के साथ आता है तो कोई भी नहीं खरीदेगा क्योंकि इसमें मिलती है HD प्लस डिस्प्ले, ना कि फुल HD प्लस डिस्प्ले, और ये एक कैमरा फ़ोन होगा जो कि एंड्रॉयड 1 के साथ लॉन्च होगा। फिर दोस्तों मोस्ट अवेटेड फ़ोन ऑफ द मंथ यानी कि Honor 9X Pro और Honor 9X लॉन्च होंगे जो कि 6.59 इंच की बेजललेस डिस्प्ले के साथ मिलेंगे और एमोलेड डिस्प्ले के साथ, Kirin का खुद का 7 नैनोमीटर का प्रोसेसर जो कि Kirin 810 मिलेगा और जो कि बोला जा रहा है स्नैपड्रैगन 730 से भी फास्ट है। Honor 9X Pro मिलेंगे आपको ट्रिपल कैमरा बैक में और Honor 9X में मिलेंगे ड्यूल कैमरा बैक में, और इसकी प्राइसिंग दोस्तों काफ़ी एग्रेसिव होने वाली है और ये एक कंप्लीट पैकेज स्मार्टफोन होगा जो कि बहुत बढ़िया फ़ोन होगा। फिर दोस्तों पोको F2 भी आ सकता है क्योंकि इसकी लीक्स आ चुकी हैं और Realme की तरफ से Realme U2 के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आने के। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट वीडियो इस महीने के स्मार्टफोन के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मैं सचिन भट्ट, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।